मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 8th के रेशनल नंबर्स का पार्ट 3। तो बच्चों, इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक्स को कवर किया था और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या तीन प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो तीन प्रॉपर्टी हमने क्या क्या देखे थे कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उस रेशनल नंबर को, अगर कोई रेशनल नंबर सपोज करते हैं ए बाई बी है, तो उस रेशनल नंबर को अगर हम लोग सेम नंबर कोई दूसरे इंटीजर m से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो a बाई बी ही रह जाता है। फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखा था हमने, दूसरा प्रॉपर्टी ये था कि अगर उसी रेशनल नंबर को a बाई बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो भी वो कितना रह जाता है, वो a बाई बी ही रह जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। और तीसरा प्रॉपर्टी हमने देखा था कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि दो रेशनल नंबर्स जैसे a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, तो हमने क्या देखा था कि फिर a इंटू डी विल बी इक्वल टू b इंटू सी। ये तीन प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोगों को देखना है कि आखिर जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो रेशनल नंबर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर्स में क्या होते हैं कि हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को भी कंसीडर करते हैं, तो उस नेगेटिव इंटीजर्स को, कभी पॉजिटिव इंटीजर्स को, कभी डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता है, कभी न्यूमरेटर में नेगेटिव होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कंपेयर किस प्रकार से करें कि आखिर कौन सा रेशनल नंबर वो बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो आइए हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि किस प्रकार से उसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के तीन बेसिक रूल्स हैं, देयर आर थ्री रूल्स फॉर कंपैरिजन। वो रूल्स क्या क्या हैं, अब देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आ जाते हैं कंपैरिजन ऑफ, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, देन कंपेयर करने के लिए हम लोगों को तीन स्टेप फॉलो करना चाहिए। व्हाट आर दोस थ्री स्टेप्स, उन तीन स्टेप्स को देखते हैं। पहला स्टेप, स्टेप वन, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जो भी नंबर मिला है उसके डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव बना लें, है ना। तो क्या करेंगे, मेक और एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर एज ए पॉजिटिव इंटीजर, एज ए पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहला रूल ये कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में होगा उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा हो कि 3 by -4, तो इसको पॉजिटिव करना है। कैसे पॉजिटिव करेंगे, कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, देन सिंपली वी कैन मेक दिस पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग दोनों तरफ को। अगर हम लोग क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब देखें हम लोग क्या मिलता है हम लोगों को, हम लोग देखते हैं कि यहां पे मिल जाता है हम लोगों को -3 एंड -(-), दैट इज ++4। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, +4 हो गया, पॉजिटिव नंबर में आ गया, ठीक है। तो ये पहला तरीका है, फर्स्ट स्टेप टू मेक द डिनोमिनेटर एज पॉजिटिव, पहला काम कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है, पहले काम को समझ में आया क्यों -1 से मल्टीप्लाई कराया गया, टू गेट द डिनोमिनेटर एज पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर हम लोगों को यहां पे ऑब्टेन करना है। और किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कब बनाया जा सकता है, जब उसको हम लोग नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई कर दें तो उसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है ना। तो क्यों, क्योंकि -(-), दैट इज +। तो जो भी काम करना होता है वो तो न्यूमरेटर में भी करना होता है और डिनोमिनेटर में भी करना होता है, इसलिए हम लोगों ने न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कराया और डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कराया। तो ये एक एग्जांपल था, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, अब दूसरा स्टेप जो है वो हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो दो नंबर दिए हुए हैं उन दोनों नंबर के डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 3 by -4। सपोज योर एग्जांपल हम लोग यहां पे लेते हैं कि कंपेयर करना है हम लोगों को किसको, 3 by
3 by minus 4 and that is the next number is minus 5 by 6. Minus 5 by 6. Okay. तो इन दोनों को कंपेयर करना है कि आखिर कौन बड़ा है कौन छोटा है. सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने ले लिया क्या कि इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लिया. सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि हमारे हमें जो दूसरा नंबर कंपेयर करने को मिला है इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको हम लोगों ने कुछ नहीं करना है. देन सेकेंड स्टेप दैट फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ऑफ द डिनोमिनेटर्स. तो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम को हम लोग देखेंगे. यहां पे हमारे लिए क्या आ गया, ये 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 आ गया और दूसरा जो नंबर है सेकेंड नंबर हम लोगों को जो कंपेयर करना है वो क्या है माइनस 5 बाई 6. देन फॉर एग्जांपल अब हम लोग क्या देख सकते हैं यहां पे कि एलसीएम हम लोगों को किसका लेना है 4 का और 6 का. सो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 दैट इज इक्वल टू आई थिंक 12. ये क्या हो जाता है 12 हो जाता है. एलसीएम आप लोग निकालना जानते ही हैं तो 4 एंड 6 कैल्शियम कितना हो जाता है 12. थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, ये दूसरा स्टेप समझ में आया. पहला स्टेप क्या था कि डिनोमिनेटर को हम लोगों को पॉजिटिव बनाना है. सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप में हम लोगों को जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लेना है. तीसरा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3 दैट इज अब हम लोगों के जो दोनों नंबर हैं उनका डिनोमिनेटर इस एलसीएम के रूप में लाना है. जो डिनोमिनेटर होगा उसे हम लोगों को कितना बना देना है 12 बना देना है. मतलब दोनों को ही, दोनों के ही डिनोमिनेटर को 12 के रूप में हम लोगों को एक्सप्रेस कर देना है. ओके तो अब देखते हैं यहां पे क्या लिखेंगे. एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर्स, एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर्स एज द एलसीएम. जो एलसीएम आया है उसी के हिसाब से हमें क्या करना है डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करना है. अब जैसे कि हमारे पास क्या है माइनस 3 बाई 4. अब आप ही बताएं कि इसमें डिनोमिनेटर को हम लोगों को कितना बना देना है 12 के रूप में एक्सप्रेस करना है तो क्या करना होगा. देन वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन एज 3. अगर हम डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथ्स, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो एज 3. हम लोगों को न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना. तो ये जो आएगा हम लोगों के पास वो क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आएगा. सो माइनस 3 इंटू 3 दैट विल बी माइनस 9 एंड 4 इंटू 3 दैट विल बी 12. ओके ये हो गया पहला नंबर जिसको हम लोगों ने एक्सप्रेस किया किसके फॉर्म में 12, डिनोमिनेटर एज 12 के फॉर्म में. अब दूसरा वाला नंबर जो है वो दूसरा नंबर कितना था माइनस 5 बाई 6. देन इसके डिनोमिनेटर को 12 के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसको भी हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तभी जाके ये 12 बनेगा. अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को तो हम लोगों को न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. देन वी आर गेटिंग माइनस 10 बाय 12. अब हम लोगों के पास दो नंबर आ गए, मींस ये इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है और ये इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है. अब हम लोगों को कंपैरिजन करना है, अब दोनों को एक जगह पे रखेंगे, है ना. देन स्टेप 4, Now compare both numbers. Compare both numbers. किस तरह से कंपेयर करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, है ना. Compare if the numerator of the numerator is greater then that number is greater. तो अब देखेंगे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम लोग negatives में कंपेयर करते हैं तो जो डिजिट होता है वो जितना बड़ा होता है वो छोटा होने लगता है जब हम लोग नेगेटिव्स में चले जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर में. जैसे पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, ये अगर हमारा नंबर लाइन है, ये अगर जीरो है देन दिस इज माइनस इंफिनिटी, इफ दिस इज इंफिनिटी, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इधर की ओर जीरो के राइट साइड में जैसे जैसे जाते रहते हैं तो इधर बड़ा नंबर मिलते जाता है 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2. जितने राइट साइड में है जितना बड़ा नंबर डिजिट मिल रहा है हम लोगों को वो बड़ा होते जा रहा है. ठीक इसके उल्टा होते जाता है कैसा, जब हम लोग नेगेटिव्स में चलते रहते हैं माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4. देन यहां पर भी रूल कौन सा फॉलो होगा कि जो भी नंबर राइट हैंड साइड में मिलेगा वो बड़ा होगा. तो देखेंगे माइनस 1 और माइनस 2 में राइट हैंड साइड में कौन है, माइनस 1 है.
सो माइनस वन इज ग्रेटर। माइनस टू माइनस थ्री में राइट हैंड साइड में कौन है, माइनस टू, तो माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, मतलब इधर जितना बड़ा होते जा रहा है विद निगेटिव साइन वो उतना छोटा होते जा रहा है। ओके तो इसी चीज को हम लोगों को ध्यान में रख के अब कंपेयर करना है। तो अब हम लोग जो एग्जाम्पल ले चुके थे उस एग्जाम्पल में जो हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आया था वो कितना आया था, वन इज माइनस नाइन बाई ट्वेल्व एंड अनदर इज माइनस टेन बाई ट्वेल्व। अब देखेंगे यहां पर डिनोमिनेटर दोनों का चूंकि सेम हो गया है तो अब न्यूमेरेटर में जो भी बड़ा है वही बड़ा होगा, तो माइनस नाइन यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस माइनस नाइन इज ग्रेटर देन माइनस टेन, क्योंकि माइनस नाइन जो है वो क्या है, वो बड़ा है किससे, माइनस टेन से, इसलिए कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये माइनस नाइन बाई ट्वेल्व, दिस इज ग्रेटर देन माइनस टेन बाई ट्वेल्व। तो अब माइनस नाइन बाई ट्वेल्व ये कौन सा नंबर था, ये था थ्री बाई माइनस फोर वाला जो नंबर है, माइनस थ्री बाई फोर यही वाला नंबर बना था ना माइनस नाइन बाई ट्वेल्व। सो विच वन इज ग्रेटर, जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट माइनस थ्री बाई फोर इज ग्रेटर देन माइनस फाइव बाई सिक्स। आ रहा है बात समझ में, तो किस प्रकार से कंपेयर करना है हम लोगों को, ये तीन स्टेप्स याद रखने हैं। क्या क्या, पहला स्टेप कि हम लोगों को जो डिनोमिनेटर मिलेगा उसे पॉजिटिव में बदल देना है। दूसरा स्टेप, उसको पॉजिटिव में बदलने का क्या तरीका है, अगर वो पॉजिटिव में है तो वेल एंड गुड, अगर पॉजिटिव में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके और एक बात मैथ्स में हमेशा याद रखेंगे कि जो भी काम हम न्यूमेरेटर में करते हैं अपने तरफ से वही काम हम लोगों को डिनोमिनेटर में भी करना होता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं यहाँ पे माइनस वन से, देन हमें मल्टीप्लाई कराना होगा न्यूमेरेटर को भी माइनस वन से। तो इससे हमें फायदा क्या मिला कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हो गया। दूसरा नंबर जो था हमारे पास वो था माइनस फाइव बाई सिक्स, इसका डिनोमिनेटर पहले से ही पॉजिटिव है। देन तो अब दोनों के डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो चुके हैं। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों का एलसीएम ले लेना है, जो डिनोमिनेटर आया है उसका एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, देन 4 एंड 6 का एलसीएम कितना आ जाता है 12। ओके तीसरा क्या है कि अब हमारा जो नंबर था जिससे हमें कंपेयर करना था उसे सेम डिनोमिनेटर जो एलसीएम आया है उसके रूप में हमें डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करना है, मींस एलसीएम आया है 12 तो हमें इस माइनस 3 बाई 4 का डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है 12 बनाना है। माइनस थ्री बाई फोर, फोर को 12 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो अगर हम 3 से यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो दिस बिकम्स माइनस 9 बाई 12 एंड सिमिलरली इसी प्रकार से माइनस 5 बाई 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 12 बनता है, तो हमें ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाता है माइनस 10 बाई 12। अब हम लोग किस पर क्या जानते हैं कि नेगेटिव्स में जो जितना बड़ा जो बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होते जाता है। तो यहां हमारे पास नंबर क्या था, माइनस नाइन बाई ट्वेल्व एंड माइनस टेन बाई ट्वेल्व। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही नंबर बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर यहां पे किसका बड़ा दिखा हम लोगों को, माइनस नाइन इज ग्रेटर देन माइनस टेन, है ना, माइनस नाइन जो है वो बड़ा है किससे, माइनस टेन से, एंड हेंस वो वाला नंबर जिसमें माइनस नाइन था, तो माइनस नाइन किसमें था, माइनस थ्री बाई फोर, सो वी कैन राइट माइनस थ्री बाई फोर इज ग्रेटर देन माइनस फाइव बाई सिक्स। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कंपेयर जो है वो कर सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से, ये तीन चार स्टेप्स अगर हम लोग फॉलो कर लें तो। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको कंपेरिजन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो को हम लोग देखेंगे, अब हम लोग एक्सरसाइज में मूव करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।